वेलकम बैक दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन वन इंडियन कंपनी की तरफ से लॉन्च हुआ एक एम्बिशियस डिवाइस जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है और उसने अपनी जगह भी बना ली है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के अंदर। कुछ अच्छे बजट कैटेगरी वाले स्मार्टफोन्स को टक्कर देखे जो आ रहे थे चाइनीज ब्रांड की तरफ से। अब वो कौन कौन से स्मार्टफोन्स है आप लोग रिसेंट वीडियोज में देख चुके हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जाकर के एक बार चेक कर सकते हो। सब कुछ तो ठीक है लेकिन एक चाइनीज फोन माइक्रोमैक्स इन वन पे भारी पड़ सकता है विच इज़ रेडमी नोट 10। और इसी रीज़न की वजह से दोस्तों ये वाला कंपैरिजन काफ़ी स्पेशल और टक्कर का होने वाला है। अगर आप 12,000 के रेंज में कोई स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए रिकमेंडेड हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं, यूर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लेनर। चलिए जानते हैं कुछ बढ़िया डिजाइन और वेट की। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको माइक्रोमैक्स इन वन 195 ग्राम का मिलता है, 9mm की थिकनेस मिल जाती है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। बात करते हैं रेडमी नोट 10 की, 178.8 ग्राम का वेट मिलता है, 8.3mm की थिकनेस मिलती है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक का फ्रेम है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और IP53 का सर्टिफिकेशन है। फर्स्टली टॉक अबाउट डिजाइन, दोनों स्मार्टफोन डिजाइन में अपनी अपनी जगह पर ठीक है बट काफ़ी हद तक रेडमी नोट 10 अपने इवोल्व डिजाइन के साथ में आगे रहेगा क्योंकि ये वाला डिजाइन मैंने इससे पहले किसी भी स्मार्टफोन में यूज नहीं किया है अपने स्मार्टफोन्स में। वर्टिकली कैमरा मॉड्यूल के अंदर 4 कैमरास की हाउसिंग है, फ्रंट पे सेंटर पंच होल है, चेंज बेजल्स वगैरह भी इस बार रेडमी ने 25% तक डिक्रीज किया है। कमिंग टू द माइक्रोमैक्स इन वन, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 जैसा ही डिजाइन आपको इसमें मिलेगा, मैटे फिनिश बैक के साथ में, वर्टिकली 3 कैमरास की हाउसिंग है, फ्रंट पैनल पे सेंटर पंच होल इसमें आपको मिलती है। टॉकिंग अबाउट बिल्ड क्वालिटी दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन बजट रेंज वाले स्मार्टफोन है, मतलब आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट की बॉडी ही देखने को मिल जाती है, बट यदि हम लोग सेफ्टी वाइज बात करें मतलब धूल और पानी से बचाव की बात करें तो वहाँ पे आपको रेडमी नोट 10 बेहतर मिलेगा ड्यू टू IP53 सर्टिफिकेशन। माइक्रोमैक्स के फोन में ऐसी कोई भी चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। बात करते दो मूलभूत आवश्यकता के लिए विच इज 3.5mm ऑडियो जैक एंड कार्ड स्लॉट, ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी हद तक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। डिस्प्ले की बात करते हैं दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले का सपोर्ट है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है, रेनबो का प्रोटेक्शन है। रेडमी नोट 10 में 6.43 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट है, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। डिस्प्ले में आप लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो? आई थिंक आपके लिए डिस्प्ले की क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती होगी, राइट? तो ये चीज़ आपको रेडमी नोट 10 में बेहतर सी मिल जाती है। हाँ, डिस्प्ले का जो साइज़ है वो माइक्रोमैक्स इन वन के कंपेयर में थोड़ा सा कम है बट 1100 नीट की पीक ब्राइटनेस को इसकी डिस्प्ले सपोर्ट करती है। डिस्प्ले क्वालिटी में इसका कोई तोड़ नहीं है यहाँ पे। रेनबो प्रोटेक्शन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन बोथ आर सेम, तो इसको लेकर के हम लोग बात नहीं करेंगे। ओवरऑल डिस्प्ले में रेडमी नोट 10 आपको बेहतर मिल जाएगा। हार्डवेयर की बात करते हैं दोस्तों, आपको माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर हीलियो G80 वाला प्रोसेसर मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है, 32.0 GHz की मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है। माली G52 MC2 वाला GPU मिलता है और एंड्रॉयड 10 बेस्ट एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है। बात करते हैं रेडमी नोट 10 की, आपको स्नैपड्रैगन 678 मिलता है जो कि 11 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना, साथ ही 2.2 GHz की मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करता है। एड्रेनो 612 एज ए GPU मिलता है और एंड्रॉयड 11 के साथ में MIUI 12 एज ए सॉफ्टवेयर मिल जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यार दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्नैपड्रैगन 678 ही आपको बेहतर मिलेगा क्योंकि एक तो 11 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना है मतलब एफिशिएंट भी है और 2.2 GHz की मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी है इसकी। दूसरा रीज़न ये दोस्तों, स्नैपड्रैगन 678 अपने कोर्टेक्स A76 कोर को एज अ हाई परफॉर्मेंस कोर यूज़ करता है और हीलियो G80 में कोर्टेक्स A75 कोर को एज अ हाई परफॉर्मेंस कोर यूज़ किया गया है। CPU GPU में आपको ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन 678 एक बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर पाएगा एज कम्पेयर टू हीलियो G80। लेकिन पता है, सॉफ्टवेयर में आने के बाद में ये चीज़ एकदम से नेगेटिव हो जाती है, मतलब अपोजिट सी हो जाती है। आपको एंड्रॉयड 10 का स्टॉक वर्जन माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर मिल रहा है, मतलब वहाँ पे आपको एड्स और ब्लॉटवेयर वगैरह नहीं मिलेंगे, जबकि रेडमी नोट 10 के अंदर एड्स और ब्लॉटवेयर तो मिल जाएंगे और आने वाले अपडेट में आप ब्लॉटवेयर को तो कुछ हद तक डिलीट कर पाओगे लेकिन एड्स से आप बच के कहाँ जाने वाले हो, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी 6GB की रैम एंड 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज आपको दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टोरेज स्पीकर चाहिए तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी रेडमी नोट 10 के अंदर, आपको माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर सिर्फ लाउड स्पीकर ही देखने को मिलेंगे। कैमरास की बात करते हैं दोस्तों, माइक्रोमैक्स इन वन के अंदर 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 8MP की सेल्फी मिलती है और रेडमी नोट 10 के अंदर 48MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 13MP की सेल्फी मिल जाती है। आप लोग कंप्लीट कैमरा स्मार्टफोन किसको बोलते हो? एक वो कैमरा स्मार्टफोन जहाँ पे आपको सारे तरीके के पॉसिबल कैमरा सेंसर्स अवेलेबल करवाए जाए,
यहाँ पे Redmi Note 10 इस मामले में बेहतर है, क्योंकि 48MP का Sony IMX 582 वाला सेंसर है और Sony का सेंसर तो आप सभी लोग जानते हो, साथ में 8MP का अल्ट्रावाइड सेंसर है, 2-2MP के माइक्रोवाइड डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। Micromax इन वन के अंदर 48MP का सेंसर तो है लेकिन वो CMOS वाला सेंसर है, साथ में 2-2MP के माइक्रो और डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। इवन सेल्फीज में भी Redmi Note 10 का दबदबा कायम रहेगा ड्यू टू 13MP सेल्फी कैमरा। Micromax ने इस बार अपने कैमरा ऑप्टिमाइजेशन को और भी ज़्यादा बेटर किया है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे बोला जाए कैमरास में कौन बेटर है तो Redmi Note 10। बैटरी की बात करते हैं दोस्तों, Micromax इन वन के अंदर 5000 mAh बैटरी मिलती है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट है। बात करते हैं Redmi Note 10 की, आपको यहाँ पे 5000 mAh वाली बैटरी मिलती है और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। नो डाउट इसमें Redmi Note 10 अपनी बेटर फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से बेहतर मिल जाएगा। जो पूरा कंपेरिजन होता है ना दोस्तों, उसका निचोड़ आपको मिलता है कंक्लूजन के अंदर, इसलिए आपको वीडियो पूरी की पूरी देखना जरूरी है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको कंक्लूजन में ही सही चीज़ें पता चल पाती है। देखो दोस्तों, अगर ऐसा कंपैरिजन होता है जिसमें दोनों स्मार्टफोन दमदार हो तो हम लोग हमेशा की तरह आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोन्स को डिवाइड करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके हिसाब से बेहतर हो सकता है। फर्स्टली, यदि आपको डिस्प्ले, कैमरा और प्रोसेसर, ये तीन चीज़ें एक ही फ़ोन के अंदर बेहतर से चाहिए तो आप ऑब्वियसली Redmi Note 10 के साथ में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पे आपका मुकाबला होने वाला है एड्स के साथ में और यहाँ पे आपको 4/64 वाला वेरिएंट मिल जाने वाला है 12000 की रेंज में। सेकेंडली, यदि आपको अपने स्मार्टफोन में प्योर स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही आपको चाइनीज़ फ़ोन पसंद नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप जा सकते हो Micromax इन वन के साथ में और यहाँ पे आपको 6/128 वाला मिनट मिलता है 12000 की रेंज में। लेकिन मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, देखो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्मार्टफोन का कंपैरिजन कर रहे हैं। एक स्मार्टफोन बायर के हिसाब से आप लोग इस कंपैरिजन को देखिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आपके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसके हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। एंड आई होप मेरे डिसीजन से आप लोग सेटिस्फाइड होंगे, और अगर होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कंपैरिजन किस तरीके का लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टेक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।